स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, ये आ रही है BSNL की तरफ से। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है और ये आ रही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर BSNL की तरफ से। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देती हूँ यहाँ पर शुरुआत में ही किस किस ब्रांच के यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए, इसमें जो है डिप्लोमा, यहाँ पर आपने अगर कोई भी ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर डिप्लोमा किया है आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ICES, बाकी के आप लोग ब्रांच आगे देख लेंगे, ऑल ओवर ऑल ब्रांच ही यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये BSNL की तरफ से ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। ये देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से। तो दोस्तों, ये 1 ईयर अप्रेंटिस है। अगर देखिए, आप लोग अगर अप्रेंटिस नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, अप्रेंटिस 1 ईयर का होता है। और साथ में देखिए, ये जो है प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनियाँ दोनों कराती हैं। साथ में देखिए, आप लोग एक प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर 1 ईयर में आप लोग को यहाँ पर इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क किया जाता है, किस तरीके से क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन आप लोग को डिप्लोमा में आप लोग को बुक्स वाली जो है नॉलेज होती है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर प्रैक्टिकली आप लोग को सब कुछ बताया जाता है। साथ में देखिए, यहाँ पर आप लोग को 1 ईयर सर्टिफिकेट में मिलता है, और ये जो सर्टिफिकेट होता है आप लोग का काफ़ी आगे आप लोग का काम भी आता है। और देखिए, साथ में आप लोग को यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलता है, एक तरीके से आप लोग सैलरी भी कह सकते हैं। तो सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन स्टाइपेंड थोड़ा कम होता है। और देखिए, कंपनियाँ अपने अपने हिसाब से अलग अलग देती हैं। अब देखिए, थोड़ा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस है। अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर अप्रेंटिस है। और देखिए, यहाँ पर जो आप लोग इसके लिए जो लास्ट डेट देख पा रहे होंगे 10 जनवरी 2022 है। इसमें 10 जनवरी 2022 से पहले आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें। तो देखिए, आप लोग 1 ईयर अप्रेंटिस है, तो इसमें जो है 1 ईयर जो स्टूडेंट पहले से अप्रेंटिस किए हुए हैं वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बिजनेस एरिया, तो आप लोग का यहाँ पर एरिया क्या क्या रहने वाला है वो भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर शिमला, धर्मशिला, सोलन, हमीरपुर, मांडी। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा पास आउट यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसका। देखिए, थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, अब देखिए थोड़ा इसके क्राइटेरिया जानते हैं। तो इसमें अगर आप लोग कहीं से भी ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ इंडियन होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आप इंडियन हैं और ऑल इंडिया में कहीं से भी एलिजिबल हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कर रखा है या फिर आप किसी भी ब्रांच से हैं, या तो आप लोग जो है यहाँ पर देखिए 1/4/2019, मतलब 1/4/2019 से पहले आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम यहाँ पर एज है 25 ईयर मैक्सिमम एज है। और देखिए, जो आप लोग की एज होगी 30/12/21 के पहले पहले आप लोग की यहाँ पर 25 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जो है यहाँ पर 25 के हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस एज से पहले, ठीक है। अब देखिए, हम थोड़ा यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इसका जो इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, इसके आधार पर आप लोग का होगा। अब देखिए, प्रीवियस ट्रेनिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दिया गया है यहाँ पर, अगर जिन्होंने पहले से ही जो है यहाँ पर अप्रेंटिस कर रखी है वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड जो है आप लोग का 8,000, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सैलरी आप लोग की यहाँ पर 8,000 रहने वाली है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं किस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो देखिए, आप लोग को मैंने एजुकेशन पहले ही बता दी थी, आप लोग की एजुकेशन क्या रहने वाली है, डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने आप लोग को बता दी, इंटरव्यू और आप लोग का स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। साथ में देखिए, आप लोग को किस प्रकार से अप्लाई करना है मैं आप लोग को ये बताने वाली थी। तो आप लोग जो है देखिए, यहाँ पर www.mhrd इस पोर्टल पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन का आप लोग को करने के बाद इस ये जो है ईमेल आईडी, देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी, तो इस ईमेल आईडी से आप लोग को मेल आएगा। और देखिए,
इस वाली, ये 10/1/2022 से पहले आप लोग को मेल आ जाएगा अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो। आप आपको यहाँ पर मेल आएगा जिससे आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अब देखिए कुछ जनरल यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो आप लोग उस तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया है किस तरीके से आप लोग को करना होगा। अब देखिए काफ़ी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी गई है, हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इनरोल प्रोसेस www.mhrd, तो आप लोग को MHRD पर किस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो देखिए आधार कार्ड फॉर्मेट PDF, तो यहाँ पर आप लोग को सारा फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है किस तरीके से आप लोग को होना चाहिए, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, और साथ में देखिए यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोग वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर दे रखा है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट फॉर सर्च। अब देखिए यहां पर आप लोग जैसे ही वहां पर पोर्टल पर इनरोल हो जाएंगे तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं इनरोल इफ नॉट इनरोल्ड, तो देखिए यहां पर, या फिर ऑलरेडी इनरोल्ड पास आउट लॉग इन टू पोर्टल बाय क्लिक। तो आप लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है लॉगिन बटन आफ्टर लॉगिन गो, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है क्या आप लोग को करना है। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजिशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट मैसेज विल अपीयर, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करने और आप लोग को अप्लाई किस तरीके से करना है यहाँ पर लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। अब देखिए अप्लाई आप लोग को 10 जनवरी से पहले पहले आप लोग को कर देना है। तो देखिए काफ़ी बड़ा PDF आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको इस PDF को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।